काफी लंबा खींच दिया यार उन्होंने। खैर मलयालम सिनेमा की मुन्नी खैर मलयालम सिनेमा की मिन्नल मुराली या फिर कहूँ मिस्टर मुराली फाइनली 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे संचारित होने वाली है। अपन का इसके बारे में पिछले साल से थोड़ा बहुत नाम सुनने को मिल रहा था कि मतलब कि इसका फर्स्ट लुक टीजर टाइप ऐसे कुछ देखने को मिल रहा था, मगर इसके असली माल का मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था अभी तक। कंप्लीट ट्रेलर आने के बाद सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। पहले अपन को पता चला कि भाई अपना प्रोटैगनिस्ट जेसन उर्फ मिन्नल मुराली हिंदी में ऑल्सो नोन एज मिस्टर मुराली है। अपन का हीरो एक टेलर है जिसे प्राकृतिक बिजली का झटका लगने के बाद उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। पूरी ओरिजिन कहानी है, हीरो को भी नहीं पता है कि उससे क्या-क्या होता है, मगर एक्शन मारने में पीछे नहीं हटेगा। अपना टेलर अब टेलर बांध के चलेगा। डॉक्टर समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसके ऊपर भी ये बिजली गिर जाती है उसका दिल का दौरा फट जाता है, फेफड़े फट जाते हैं और क्या क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि आदमी क्लोज टू डेथ के करीब चला जाता है। मगर देवी माँ की कृपा से अभी इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और एक्चुअली में ये कहानी ऐसी कुछ देखी दाखी नहीं लग रही है, मतलब कि खैर छोड़ो, मजा आ रही है ना, और वही आनी भी चाहिए। ट्रेलर की टोन एम्पलीफाई तब हुई जब मुराली ने अपना एक साइड किक एक बच्चे को बना लिया जो अभी भी स्कूल में जा रहा है और जिसे देख के लगता है कि हाँ वो बंदा सही है, क्योंकि उसके पास लिटरली सुपर हीरोज की नॉलेज काफी सारी है। वो सुपर हीरोज की कॉमिक्स तो पढ़ता ही पढ़ता है, मगर उसी के साथ साथ जेसन की समस्या का समाधान निकालने के लिए वो मार्टी न्यूमैन की लाइटनिंग के ऊपर बुक भी लेकर आया है, पता नहीं कहां से, गांव में लाइब्रेरी है। और तब जाके अपन को शज़ाम वाला सिनेरियो देखने को मिलता है। और हाँ भाई देखो, यहाँ पे मैं सिमिलैरिटीज गिना जरूर रहा हूं, मगर कोई हेट नहीं है, बस इसे देख के एक दिमाग में छोटा सा क्लिक हुआ कि एक्चुअली में वहां भी ऐसा हुआ था। मगर गुरु गिरने के बाद मजा जरूर आएगा, इसमें मैं मना नहीं करूंगा। ये वाली टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी अंदर से सुपर हीरो जैसा फील हो ना तो सबसे पहले अपन को कूद के देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर उड़ गए तो उड़ गए, नहीं तो हो गया। मगर अपने मिस्टर मुराली उड़ नहीं सकते, मगर बहुत ही पावरफुल जंप्स मार सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल सोच थी। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जहां से आप 10 करोड़ डेली जीत सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर्स स्पॉट। यहां पर मेरा फेवरेट गेम है ब्रांड न्यू रमी, जहां से आप एक पैसे से टेबल ज्वाइन कर सकते हैं और 10 करोड़ जीत सकते हैं। मैंने तो काफी एंजॉय किया है, तो अब रमी ही खेलना है तो डिस्क्रिप्शन की दी हुई लिंक पे जाओ और बताओ प्लेयर स्पॉट पे खेलना क्या है। और अगर आप चाहते हो इस वर्ल्ड कप पे फैंटेसी लीग खेलना तो अभी जाओ खेलना करो इस ऐप पे, जहाँ पे मेरा दूसरा फेवरेट गेम है लूडो और ऐसे बहुत सारे गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दिखाओ अपनी गेमिंग स्किल्स और आ जाओ इंडिया के नए मैदान पे, मुझे चैलेंज करो और 10 करोड़ जीतने का मौका पाओ। दोस्तों प्लेयर्स स्पॉट 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया है, आपके पैसे सेफ है। 7 मिलियन प्लस यूजर्स है यहाँ पे जो रोज खेलते हैं। यहाँ इजी विड्रॉल्स है बट नो KYC, तो जीता हुआ अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में। और तो और यहाँ पे शीप फाइट, हाउस क्विज, चेस, कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम्स है, तो अभी जाओ डाउनलोड करो प्लेयर्स स्पॉट ऐप को और मेरा रिफिल कोड Play200 पे पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ बहुत ही तेज दौड़ भी सकते हैं, एक्सट्रीम फोकस है, मल्टीटास्किंग में भी निशाना चूकते नहीं है कभी भी। लेकिन गुरु खाली पावर रखने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि भाई मसल के साथ थोड़े मूव्स भी तो होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। और इसी के लिए कुछ खुफिया ट्रेनिंग सीखने के लिए वो गांव के ही किसी कराटे क्लास में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, लेकिन भारी भरकम काम अकेले ही करेंगे क्योंकि भाई बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सारी उल्टी सीधी हरकतों के बीच में भाई उनका बहुत ज्यादा लोगों पे ध्यान आकर्षित होने लगता है और वो चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट बना के रखना, क्योंकि भाई वो अपने आप को समझने से पहले बात को विवाद नहीं बनाना चाहते। अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ छोटे मोटे गुंडों बदमाशों से तो लड़ते ही रहते हैं, तो कहीं बस में तो कहीं मेलों में अपने अजीबो गरीब कपड़ों के साथ। मगर फैसिनेटिंग बात तब शुरू होती है जब इस फ्रेम में जहां पुलिस भी यहां पे घर बिल्डिंग मकान घंटा घर क्या है वो हैरान रहती है कि ये किसने किया और सबसे पहली बात कैसे किया। इसके पिछले ट्रेलर का अगर एक्सट्रैक्ट निकाल के देखें तो लगता है कि हां भाई जहां गांव की पब्लिक मुरली को एज अ हीरो की तरह पसंद कर रही है, उसी के बीच में दूसरी तरफ कोई उसे बदनाम कर रहा है जो कि पॉसिबली उसका एक पावरफुल विलन होगा जिसके पास भी कुछ ऐसी पावर्स होंगी। गांव वालों का साथ एक रात में आना मशाल को पकड़े हुए क्लाइमैक्स वाली फीलिंग देता है। मुराली गुंडों के साथ साथ पुलिस वालों पे भी अपना हाथ साफ करता है जिससे बच्चे काफी एंटरटेन फील करते हैं। क्या बच्चे एंटरटेनिंग वाली पिक्चर है ये? खैर फिर भी अगर मेरा चैनल रेगुलर देखते हो तो अपना मंत्र तो तुम जानते ही होगे, जब तक मजा आ रही है तब तक क्या फर्क पड़ता है। अपना पिक्चर में हीरो कोई एंटी हीरो नहीं है, बल्कि वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा काम ही करेगा। और मे बी कहानी का एक एंटागनिस्ट हमें इस सीन में देखने को मिलता है जहां दोनों कार के ऊपर में से सिविल वॉर के स्टाइल में भाग रहे होते हैं, मगर इस बार एंटरटेनिंग वे में। ट्रेलर के हिसाब से देख के तो लगता है पिक्चर में कोई बहुत बड़े एक्शन सेट पीसेस तो नहीं है, ग्राउंडेड और कॉमिकल एडवेंचर्स हैं। एक आग जगह तो फ्रेम्स बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलते हैं, देख के लगता है कि हाँ भाई गुरु मेहनत करी गई है। और फिर आगे अपने इनको कहानी में कहानी के विलन के पावर्स का ट्रू प्रदर्शन देखने को मिलता है जहां वो रात वाले सीन में गांव वालों को ऐसे ही हवा में उड़ा दे रहा है। एक मिनट,
अगर वो हवा में उड़ा सकता है दैट मीन्स कि खुद भी उड़ सकता होगा, मगर भाई अभी भी ओरिजिन कहानी है तो हो सकता है कि विलन को भी अपने पावर्स का पूरा पता ना हो, नहीं भी हो सकता है कि कुछ फोर्स फील्ड जैसा कुछ निकले, वो तो पिक्चर ही बताएगी। लेकिन इस ट्रेलर के कैंडी मोमेंट था मिस्टर मुराली का सूट रिवील। मिस्टर मुराली भी अपना किसी सूट को ऐसे सिंबल की तरह दिखा रहे हैं, एटलीस्ट देख के तो ऐसा ही लग रहा है, जिससे कोई एक आइडिया हो, किसी कुछ बताना चाह रहे हो। और सबसे अच्छी बात, मैं होप करता हूँ कि कुछ मीनिंग निकलेगा इसका। कॉमिक कॉन में ये मास्क लगा के जाना काफी आसान हो जाएगा। इंटरटेनिंग नजर आ रहा है, ब्रूटल तो नहीं होने वाला, वो एक क्लीशे मूवीज के सीन तो हमें दिखी जाते हैं जो साउथ वाले अपन को होते हैं, लेकिन खैर फिर भी वो सब मजा जरूर आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मगर इंडिया में इंडियन सुपर हीरोज का सिनेमा में एक फायदा ये जरूर बन जाता है कि अब आप कोई भी हदें पार कर सकते हो और कोई भी आप पे सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर सवाल उठेंगे भी तो वो थ्योरीज बन जाएंगे। काफी वेट कराया है इसने, मगर खैर यार नजर आ रहा है कि ये निराश नहीं करने वाली, अगर ये अपने स्टाइल के साथ ऑनेस्ट रहती है तो, या फिर कोई एक एक्सेप्शनल सरप्राइज हो जिससे अपने इंसान को उसके सुपर हीरो बनने का असली पर्पस मिल जाए। क्योंकि ध्यान रखो, इन्हीं सारी कहानियों के साथ मेटाफोर्स और मोटिव्स भी काफी बड़ी मीनिंग रखते हैं, क्योंकि भाई पीटर पार्कर सुपर हीरो तब नहीं बना जब उसको मकड़ी ने काट लिया था, उसका हीरो बनने वाला मोमेंट तब था जब उसे अपनी पावर्स का एहसास इस अंधेरे कमरे में पता चला। खैर इसके बाद यार कोई मैं तुम्हें सेंटी नहीं करना चाहता, ये कहानी इंटरटेनिंग है, तुम इसे देख के क्या लगता है? मैं इसके लिए महीनों से बेसब्री से तैयार हूं और अब जाके इसका फाइनल ट्रेलर निकला है, लेकिन थैंक गॉड 24 दिसंबर को आने वाली है, मैं देख के तो जरूर बताऊंगा। और सबसे पहले एक काम करो कि तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। और हां भाई, हम लोग शायद 5 लाख के काफी करीब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ही कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर वीडियो में कहीं ज्यादा बहुत ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ अगर मेरी जाति जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुस के देखना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मुझे फेसबुक पेज पे भी खोजना चाहते हो तो भाई मेरे फेसबुक पेज भी मैंने लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं, तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।